सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता की पुनरावृत्ति करेंगे। आप सभी से यही उम्मीद है कि आप सब जो हैं वो इस कविता की पुनरावृत्ति करके आए होंगे। मैंने कविता के सार से भी आपको परिचित कराया था और बच्चों ने बहुत अच्छे से इसका उत्तर भी दिया था। आज उम्मीद करूंगी के बाकी बच्चे जिन्होंने मुझे उत्तर नहीं दिया था वह बच्चे भी आज मुझे उत्तर देंगे और मैं अवश्य ही उनके अभिभावकों को बताऊंगी कि उनके बच्चे पुनरावृत्ति करके आ रहे हैं, और जो बच्चे नहीं करके आ रहे हैं उनके अभिभावकों को बताऊंगी कि उनके बच्चे पुनरावृत्ति नहीं करके आ रहे हैं। तो चलिए बच्चों, हमारा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अंतिम प्रश्न जो है उत्तर मैंने छिपा लिया है ताकि आप अपने मतानुसार मुझे उत्तर दें। आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? मैम सारिका, मैम कनक, मैम देते सारिका कनक के अलावा क्या बताया नाम तीसरा? मैम आदित्य। आदित्य अपना पूरा नाम बोलना पड़े क्योंकि मेरी क्लास में आदित्य शर्मा भी है और चौधरी भी है। मैम शर्मा। मैम प्रथम। हाँ जी आदित्य शर्मा आप बताइए। मैम बच्चों को काम पर इसलिए नहीं भेजना चाहिए क्योंकि मैम उनके भी कुछ सपने होते हैं, उनको भी कुछ अपने जीवन में हासिल करना होता है, लेकिन काम पर जाने की वजह से वे अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, प्रथम आप भी बताना चाह रहे थे सेम प्रश्न, आप बताइए कि आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? मेरे विचार से बच्चों को काम पर इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह समय उनके शारीरिक व मानसिक विकास का होता है। शाबाश। और कनक आप इसे पूरा कीजिए, अभी भी ये अधूरा है। यस मैम। मैम मेरे विचार से बच्चों को काम पर इसलिए नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। यदि समाज में बच्चों की प्रगति पर अंकुश लग गया तो एक बड़े हादसे का भी मामला बन सकता है। उन्हें अपने शारीरिक विकास के लिए खेलना कूदना चाहिए और मानसिक विकास के लिए पढ़ना चाहिए, ना कि काम पर जाना चाहिए। बिल्कुल सही कनक, इसको थोड़ा सा आपने गलत तरफ मोड़ा ये कहकर के हादसे के समान है, तो ये हमारा एक और प्रश्न है उसका उत्तर बन जाएगा। तो कृपया जो प्रश्न हो उसी पर कॉन्सेंट्रेट करें, कोशिश करें, प्रयास करें कि आप उसी का उत्तर दें। तो हम कह सकते हैं कि मेरे विचार से बच्चों को काम पर नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि छोटी उम्र में काम करने पर बच्चों का शारीरिक एवं बौद्धिक विकास बाधित हो जाता है, वे जिंदगी भर के लिए मजदूर बनकर ही रह जाते हैं, और बच्चों का बौद्धिक विकास हो इसके लिए उन्हें पढ़ने लिखने के पर्याप्त अवसर तथा शारीरिक विकास हेतु खेलकूद के उचित अवसर मिलने चाहिए, तभी बच्चे जो हैं वो कल का भविष्य बन पाएंगे, उज्जवल भविष्य बन पाएंगे। इसलिए बच्चों को काम पर नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें पढ़ाई लिखाई और खेलकूद के अवसर प्रदान करने चाहिए। अगला प्रश्न हमारा देखिए, काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रखकर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे बताइए। आप इमेजिन योरसेल्फ इन प्लेस ऑफ अदर बॉय, जो बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, विद्यालय नहीं जा रहा, बाल श्रम कर रहा है, वो बच्चे की क्या भावना होगी? उस बच्चे की कल्पना कीजिए अपने आप को रखकर। भगवान ना करे कि आप बच्चों को ऐसा कुछ भोगना पड़े, परंतु यदि हमें कुछ ऐसा किसी कारणवश ऐसा होता है, ठीक है, हम कल्पना कर रहे हैं, अज्यूम्ड है, ठीक है, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर हमें काल्पनिक उत्तर देना है तो हमें उस स्थान पर अपने आप को रखकर देखना पड़ेगा। तो
आप सोचकर देखिए कि अगर आप काम पर जा रहे हैं, बाल श्रम कर रहे हैं, तो आप कैसा महसूस करेंगे? अतिशय आप बताएंगे। दिव्यांश आप बताएंगे। दिव्यांश मैम भूमिका, जी, भूमिका आप बताइए। शाबाश भूमिका। मैं यदि इस जगह पे होती तो मैं काफी दुखी और अशांत महसूस करती, क्योंकि जब मैं जिस जगह पे काम कर रही होती वहां मेरी उम्र के बच्चों को देखती खेलते कूदते, तो मेरे मन में काफी प्रश्न आते कि मैं उन उन बच्चों की जगह पे क्यों नहीं हूँ, मैं काम क्यों कर रही हूँ। शाबाश भूमिका, वेरी गुड, एक्सीलेंट रिप्लाई, एक्सीलेंट आंसर। तो भूमिका ने बहुत सही जवाब दिया कि यदि भूमिका उस बच्चे के स्थान पर होती जो बच्चा बाल श्रम कर रहा है, सपोज अगर मैं अपने आप को रखती हूँ कि मैं अगर उस बच्चे के स्थान पर होती जो बाल श्रम कर रहा है, तो मेरे मन मन मेरा बहुत ही द्रवित होता, मेरा मन रोने का करता, मैं अशांत होती, अशांत मन से रहती, हर समय क्रोध में रहती, और मैं ईश्वर से यही शिकायत करती कि हे ईश्वर, यदि तूने मुझे इस धरती पर जन्म देना ही था तो मुझे बोझ बनाकर जन्म ना देता, मुझे भी साधारण बच्चों की तरह वह सभी सुख और सुविधाएं उपलब्ध करवाता जो उन बच्चों को उपलब्ध हैं, मैं भी उन बच्चों की तरह विद्यालय जा पाती, मैं भी उन बच्चों की तरह खेल कूद पाती, और इन सब बातों के साथ, शिकायतों के साथ, शायद मैं ईश्वर को जो शिकायतें कर रही हूँ उसके साथ साथ मेरे अंदर हीन ग्रंथि भी जन्म ले लेती, हीन भावना भी जन्म ले लेती, मैं जहां भी जाती लोग मुझे धुतकारते और मैं जो है बहुत ही हीन महसूस करती, तो ये सब मेरे साथ होता अगर मैं उस बच्चे के स्थान पर होती। तो आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? जितांश जितांश जी, धन्यवाद, आपने मेरी बात का सहयोग दिया, मेरी बात को माना, तो भगवान ना करे हम में से किसी के साथ भी यह समस्या हमारे समक्ष आए, ईश्वर इस नव वर्ष में हम सभी को तंदुरुस्ती दे, स्वास्थ्य दे और खूब धन धान्य दे, ताकि हम किसी भी तरीके से, किसी भी सुविधा, किसी भी उपकरण से वंचित ना रहें। मेरी यही शुभकामना है। ये तो प्रश्न था, तो उसके उत्तर के लिए हमें उसको एज्यूम, उसको कल्पना की दृष्टि से सोचना था, समझना था, तो मैं क्षमा चाहूंगी, ईश्वर ऐसा किसी के साथ ना करे। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न जो है कि बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? दोबारा से सुन लीजिए, बच्चों का काम मैम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? सारिका, दिव्या सारिका बच्चे ने कुछ बोल समझ। दिया, सारिका पहले बोल दें। ओके मैम, बच्चे किसी भी देश या समाज का अहम हिस्सा होते हैं। वह कल के नागरिक होते हैं और देश का भविष्य उन्हीं पे निर्भर होता है। अगर बच्चे अभी काम पर जाएंगे तो वो सही तरीके से बढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ लिख नहीं पाएंगे, ना उनमें ज्ञान होगा और ना वह किसी भी तरह से वैभवशाली होंगे। अगर हमारे बच्चे ही ज्ञानी ना होंगे तो फिर आने वाला भविष्य अंधकार में डूब जाएगा और किसी भी देश और समाज के लिए इससे बड़ा हादसा कुछ हो ही नहीं सकता कि उसका भविष्य ही दांव पर लग जाए। इसलिए बच्चों को काम पर नहीं जाना चाहिए, उन्हें विद्यालय भेजा जाना चाहिए ताकि हमारा देश प्रगति करे और हमारा समाज वैभवशाली बने। एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया सारिका, बहुत दिल से आपने इसका उत्तर दिया, तो मैं बहुत आभारी हूं कि आपने बहुत दिल से इस चीज को महसूस करके उस बात का उत्तर दिया। सारिका के अलावा एक और बच्ची मुझे अपना अपने मनोभाव मैम व्यक्त करना चाह रही थी। दिव्या या दीवा? दिव्या, दिव्या बताइए।
बच्चों को काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान इसलिए है क्योंकि हर बच्चा समाज का भविष्य होता है। अगर समाज का भविष्य ही काम काज में लग जाएगा, पढ़ाई नहीं करेगा, तो देश प्रगति कैसे करेगा? और बच्चे सारे एक समान होते हैं। अगर बच्चों को हम काम पर लगा देंगे और उन्हें उनके बचपन से वंचित रखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा गलत होगा। शाबाश दिव्या, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। तो बच्चों हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इस चीज को आप देखिएगा। और तब तक के लिए मैंने अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर रखा हुआ है, ठीक है। इस प्रश्न में हम लिख सकते हैं कि बच्चों का काम पर जाना हादसे के समान है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य होते हैं, राष्ट्र निर्माता होते हैं, और जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए तथा भविष्य जो है, भविष्य का योग्य और सुशिक्षित नागरिक बनने की तैयारी करनी चाहिए, वे उस उम्र में यदि बाल मजदूरी करते हैं तो उनका भविष्य जो है वो नष्ट हो जाएगा। और बच्चों का भविष्य नष्ट होना किसी हादसे से कम नहीं है, क्योंकि जिस देश के बच्चे जो हैं वो शिक्षित नहीं होंगे तो वहां का भविष्य भी सुरक्षित नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसमें यह लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बच्चों कि आपने अपने शहर में बच्चों को पहली बात कब कब, दूसरी बात कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है। आपने कब कब और कहाँ कहाँ काम करते देखा है, बताइए। सारिका, सारिका नहीं, और प्रथम श्रीवास्तव नहीं, और भी कोई बच्चा बोल रहा है, प्लीज आपकी आवाज मिक्स हो रही है, सारे इकट्ठे ना बोले वन बाय वन। सारिका नहीं, प्रथम श्रीवास्तव नहीं, और कौन बताना चाह रहा है? मैम भूमिका। फिर इकट्ठे बोले हैं दोनों बच्चे। आदित्य शर्मा नहीं, एक और बच्ची बताना चाह रही है। मैम भूमिका। भूमिका के अलावा कौन बताना चाहेगा? दिव्यांश आप बताइए, क्योंकि भूमिका भी बता चुकी है, प्रथम श्रीवास्तव भी बता चुका है, कनक भी बता चुकी है, आदित्य शर्मा भी बता चुका है, सारिका भी बता चुकी है, मुझे कोई नया बच्चा चाहिए जो इसका जवाब दे मुझे। दिव्यांश, दिव्यांश इज नॉट इन द मीटिंग। ओके फाइन। अतिशय मैम में आए। मैम लवप्रीत। लवप्रीत यस बताइए। मैम मैंने अपने शहर में बच्चों को होटलों में और छोटे मोटे ढाबों पर और रास्ते में झाड़ू लगाते हुए भीख मांगते हुए देखा है। मैम में आए कंप्लीट। और कोई आंसर? कनक। हाँ कनक बताइए। मैंने अपने शहरों में बच्चों को छोटे छोटे कार्यालयों, दफ्तर, घरेलू काम करते हुए, होटलों में, ढाबों में बर्तन साफ करते हुए देखा है। बेटा जी, इसमें एक चीज का ध्यान रखिए, आप सभी ने मुझे उत्तर दिया लेकिन आपने शायद प्रश्न पर दृष्टि नहीं डाली। प्रश्न पर दृष्टि डालकर देखिए कि इसमें जो है पहला प्रश्न किया गया है कि कब कब, फिर किया गया है कहाँ कहाँ। तो दोनों प्रश्नों का आपको देना था। नहीं सारिका। हाँ अनुष्का बताइए आप। मैम मैंने अपने शहर में बच्चों को पर्व त्योहार के समय सामान और बेचते हुए, खिलौने बेचते हुए देखा है। वे ढाबों पे काम करते हैं और चाय बनाते हैं या झाड़ू पोछा लगाते हैं, जैसे कि दिवाली का समय साफ सफाई में बीतता है और होली का समय भी साफ सफाई में बीतता है। हाँ जी शाबाश। अभी और इसमें कमी रह गई है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब, तीज त्योहारों पर, सुबह, शाम, दोपहर, रात के समय, ये तो पहले वाले पार्ट का उत्तर हो गया, ठीक है। अब कहाँ कहाँ, तो कहाँ कहाँ में हम क्या लिखेंगे, हमने उन बच्चों को जो है
दुकानों पर, ढाबों पर, होटलों में, सब्जियों और विभिन्न दुकानों पर, समृद्ध वर्ग के घरों में और प्राइवेट कार्यालयों में, बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर, ठीक है, और आप कह सकते हैं रेड लाइट पर काम करते देखा है। ठीक है, तो सारी बात इसमें कवर हो गई। तीज त्योहारों पर भी हमने उन बच्चों को देखा है और बाल श्रम करते हुए, और उसके अलावा सुबह शाम दोपहर रात हर समय, मतलब वो पैसा कमाने के लिए रेड लाइट पर, ढाबों में और कहीं पर भी हम उनको देख रहे हैं, दुकानों पर और रेस्टोरेंट वगैरह में, बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर। तो हम सब वो सारा उसका उसमें लिख देंगे, ब्यौरा लिख देंगे। ठीक है, और ये प्रश्न इसके आगे के हम कर चुके हैं और अगली कक्षा में हम आपसे दूसरे पाठ के साथ पुनः भेंट करेंगे और हमारा समय भी समाप्त हो रहा है, इसलिए आपसे अनुमति चाहेंगे। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, डेटशीट आ गई है, कृपया आप सभी जो हैं अच्छे से पुनरावृत्ति करें, खूब पढ़ें, खूब लिखें, स्वस्थ रहें। ईश्वर सरस्वती माता आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपसे अनुमति चाहूंगी, धन्यवाद।